Welcome on Knowledge Twist Find Bollywood or Big Boss Season 14 Update. टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी और जेठालाल की प्यारी नोक झोंक दर्शकों को खूब भाती है। हालांकि मुनमुन दत्ता की ये नोक झोंक सिर्फ शो में जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी के साथ नहीं बल्कि मेकर्स के साथ भी हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक मुनमुन दत्ता को फिजिकल टच कितनी पसंद नहीं, फिर चाहे बात शूटिंग की ही क्यों ना हो, शूटिंग पर शॉट के दौरान कोई उन्हें जरा सा भी टच कर दे तो मुनमुन बुरी तरीके से चिढ़ जाती हैं। खबरों की माने तो मुनमुन की इस आदत की वजह से कई बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स उन्हें बहुत से एपिसोड में लेते ही नहीं है। मुनमुन का कहना है कि वो किसी के भी टच से कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। सूत्र के अनुसार मुनमुन की इसी आदत की वजह से कई बार शो के मेकर्स के साथ उनकी झड़प भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में जन्मी मुनमुन दत्ता ने पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिनके बाद वो मुंबई आ गईं। हालांकि उनका इरादा एक्ट्रेस बनने का नहीं बल्कि डॉक्टर बनने का था। फिर साल 2004 में मुनमुन ने टीवी सीरियल हम सब बाराती से अपने करियर की शुरुआत की। वैसे कम ही लोगों को पता है कि इस शो में वो दिलीप जोशी के साथ काम कर चुकी हैं। खबरों की माने तो दिलीप ने ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए मुनमुन का नाम मेकर्स को सुझाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी बबीता जी की कहानी और कैसा लगा बबीता जी और जेठालाल की नोक झोंक, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। थैंक यू।